हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास फोर साइंस में चैप्टर नंबर 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य, इस चैप्टर को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, नाक है, तो ठीक उसी तरह और हर अंग का अपना एक अलग अलग कार्य है, अपना अलग अलग महत्व है। ठीक वैसे ही पौधे भी होते हैं, पौधों के भी हर भाग का अपना अलग महत्व होता है और अपना अलग अलग कार्य होता है। तो सबसे पहले आज हम उसके भाग के बारे में जानें कि पौधे का किस भाग का क्या नाम होता है। आज हम आपको ये बताएंगे। जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, पौधे कई तरह के होते हैं हमारे आसपास, जैसे बड़े पेड़ भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं, कई सारे पेड़ पौधों को हम देखते हैं अपने डेली के लाइफ में। और उसमें ये भी देखते हैं कि कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के तने बहुत कोमल होते हैं, कुछ के बहुत कठोर होते हैं। सब तरह सबकी पत्तियां अलग अलग होती हैं, उनके फूलों के रंग अलग होते हैं, उनकी बनावट अलग होती है, उनके फल भी अलग होते हैं। तो हर जैसे इतने सारे पौधों के, लेकिन एक चीज है जो सब में रहती है कि उसके कुछ चीजें, उसके भाग जो है वो सभी पेड़ पौधों में रहते हैं। तो एक पौधे का चित्र हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसके माध्यम से समझ लीजिए तो आपको आसानी होगी कि जैसे ये पौधे का, ये है जमीन की सतह, सतह के ऊपर के जो भाग हैं वो हमें दिखाई देते हैं और जमीन के नीचे के जो भाग हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जो सतह के नीचे का भाग है उसको क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। ठीक उसी जड़ के सहारे ही पौधा जो है वो जीवित रहता है और खड़ा रहता है। अगर उसकी जड़ें ना हो, क्योंकि हम पानी कहाँ डालते हैं, पौधे की जड़ों में डालते हैं, और वो जड़ जो है वो पूरे पौधे तक पानी को पहुंचाती है, जिससे कि पौधा जीवित रहता है और हरा भरा रहता है। बिना पानी के पौधे क्या होते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना पानी के भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर पौधे ऐसे हैं जो बिना पानी के सूख जाते हैं। तो ये है इसका जड़, इसमें जो छोटे छोटे जड़ों में रेशे होते हैं उसको मूलरोम कहते हैं। ये हमारी मिट्टी की सतह के नीचे ये सारे भाग होते हैं। उसके बाद है तना, जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, इसको ये पूरा ये भाग जो है वो तना है। फिर है ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक ये सारी जो भी है ये इसकी पत्तियां हैं, ये फली है। ठीक है, ये जैसे कि इसको फल भी बोलते हैं, सरसों का पौधा है ये, और उसमें से ये इसकी फली है जिसमें से सरसों के दाने निकलते हैं, ये है इसका फूल। ठीक, तो इस तरह से हर पौधे में ये सारी चीजें होती हैं, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, और पौधे के हर भाग का अपना अपना महत्व है। सारे ही जितने भी पार्ट पौधे के होते हैं वे सब अपना उनका अलग कार्य होता है, अपना अलग अलग उनका महत्व होता है। तो आज हम आप लोगों को सिर्फ इनके भाग के बारे में ही बताएंगे, पौधों के जो भाग होते हैं उनका नाम हमने आपको बता दिया, तो आज इतना ही बताएंगे हम, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कार्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।